नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे लव एंड एनार्की की। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है और एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये सीरीज वैसे तो एक स्वीडिश सीरीज है, लेकिन इसका ऑडियो और सबटाइटल्स दोनों इंग्लिश में है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर है लीजा लैंग्स्ट। दोस्तों, स्टोरी लाइन पे चर्चा करते हैं, फिर क्या अच्छा बुरा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कहानी है सोफी और मैक्स की। सोफी दो बच्चों की माँ है, अपनी फैमिली के साथ रहती है और अपनी पुरानी नौकरी छोड़ करके एक पब्लिशिंग हाउस में वो काम करने लगती है। यहाँ वो मिलती है मैक्स से, जो कि एक आईटी का आदमी है। और फिर जब इनकी मुलाकात होती है तो शुरुआत में थोड़ी नोकझोंक होती है और फिर ये लोग एक दूसरे को चैलेंजेस देने लगते हैं। एक कोई ये चैलेंज देता है मैक्स सोफी को, वो पूरा करती है, फिर सोफी मैक्स को एक चैलेंज देती है। और ये जो चैलेंज है, ये बड़े ही अजीबोगरीब, बड़े अनकॉमन से चैलेंज होते रहते हैं और इन्हीं चैलेंजों के साथ साथ इनकी कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, यदि आप बात करें इस सीरीज की, तो देखिए इसका जो नाम है लव एंड एनार्की, ये सबसे सटीक नाम है। यहाँ आपको लव भी है और एनार्की भी है। और दोस्तों, ये जो सीरीज है ये काफी बोल्ड है। बोल्ड इसके दृश्यों में भी है, इसकी कहानी में भी है, और जो दोनों कैरेक्टर हैं इसमें भी काफी ज्यादा ये बोल्ड सीरीज है। और दोस्तों, देखिए कि जो शुरुआत है इस सीरीज की, उसमें ही आपको सोफी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। एक महिला है जिसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर के भी काम है, और अपने जीवन के लिए, अपने प्लेजर के लिए उसके पास केवल 10 मिनट का वक्त बचता है। मैक्स का कैरेक्टर हालांकि धीरे धीरे खुलता है, हमारे सामने आता है, लेकिन ये जो सोफी और मैक्स की केमिस्ट्री है, ये देखना आपको अच्छा लगता है। और ये जो एक दूसरे को अलग अलग तरह के चैलेंजेस कर रहे हैं, ये चैलेंज भी देखना आपको ठीक लगता है। ऐसा लगता है जैसे सोफी और मैक्स ने अपनी ही एक दुनिया बना रही है, अपने ही कुछ नियम बना लिए हैं और उन्हीं में वो चलते रहते हैं। हालांकि बाद में फिर कुछ कठोर सच्चाइयों से भी इनका सामना होता है, कुछ इमोशनल दृश्य भी आते हैं, कुछ दुश्वारी भी आती है, लेकिन ये देखना आपको ठीक ही लगता रहता है। दोस्तों, देखिए इस सीरीज में जैसे एक लव की कहानी है, प्यार की कहानी है, लेकिन कॉमेडी का एलिमेंट भी ठीक ठाक है। और इसके अलावा बहुत दूसरी चीज़ों की भी चर्चा आपको दिखती है, जो अलग अलग पात्र अलग तरीके से कर रहे होते हैं। इसमें आप कैपिटलिज्म की चर्चा देखते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का जाल किस तरह से हमारे जीवन में घुसा जा रहा है, आप उसकी चर्चा भी देख सकते हैं। पढ़ने लिखने की आदत लोगों की कम हो गई है, वो भी आप महसूस कर सकते हैं, और कहीं कहीं फेमिनिज्म की भी बात होती है। दोस्तों, देखिए परफॉर्मेंसेस के लेवल पे ये सीरीज अच्छी है, प्रस्तुतिकरण इसका अच्छा है। जिस तरह से कहानी हमारे सामने आती है, उसमें आप इसको देखते हैं और देख करके एंजॉय करते रहते हैं। हालांकि यहाँ बहुत बोल्ड, जैसा मैंने कहा कि वो है, बहुत ज़्यादा सेक्स और न्यूडिटी के सीन यहाँ रखे गए हैं, लेकिन जो बेसिक स्टोरी लाइन है, जो लव लाइन है, वो देखना आपको अच्छा लगता है। और दोस्तों, देखिए यहाँ 8 एपिसोड है 25 से 30 मिनट तक के लिए, तो ये जरूर है कि अगर आप एक ठीक ठाक एक हल्की फुल्की सीरीज देखना चाहते हैं, एक अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं, तो इसको एक बार देख सकते हैं। और इसके लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 की। तो दोस्तों, लव एंड एनार्की के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।